नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन, आपके साथ मैं उलक्ष शर्मा। एशियन गेम्स के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है। ऋतुराज गायकवाड़ को इस टीम की कप्तानी दी गई है। पहले कहा जा रहा था कि शिखर धवन इस टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन उनको कप्तानी तो छोड़िए, टीम में भी जगह नहीं मिली है। इसके अलावा जितेश शर्मा, रिंकू सिंह भी पहली बार टीम इंडिया में शामिल हुए हैं। वहीं सिमरन सिंह की भी एंट्री हुई है। हालांकि जितेश शर्मा पहली टीम के स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं, लेकिन प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन क्या आपको पता है कि टीम इंडिया डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में ही जाके मैच खेलेगी? अब आप ऐसे कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एशियन गेम्स है तो आपको ग्रुप स्टेज के भी मैचेस खेलने होंगे और 18 टीमें हिस्सा लेगी, तो 18 टीमें हिस्सा लेगी और क्वार्टर फाइनल खेलेगी टीम इंडिया। ऐसा क्या बीसीसीआई की पावर है या भारतीय सरकार की पावर है? तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल जो एशियन गेम्स में है वो रैंकिंग के हिसाब से चलता है। अगर रैंकिंग टीम इंडिया की अच्छी है, रैंकिंग के हिसाब से प्रायोरिटी सेट की गई है। टीम इंडिया की रैंकिंग इतनी अच्छी है कि उसे अब डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल का मैच ही खेलने को मिलेगा, तो डायरेक्ट नॉकआउट मैच खेलने उतरेगी टीम इंडिया। और टीम इंडिया से इस बार गोल्ड मेडल की उम्मीद है, क्योंकि गोल्ड से कम कुछ नहीं चाहिए। भारतीय टीम का, भारतीय क्रिकेट का जो दबदबा है, ना केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया में, किसी से छुपाने वाली बात नहीं है। इसलिए अगर टीम इंडिया गोल्ड मेडल नहीं जीतती है तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन नेगेटिव सोचें क्यों, पॉजिटिव की साइड चलते हैं। टीम इंडिया के लिए, ऋतुराज गायकवाड़ वाली इस कप्तानी की टीम इंडिया के लिए दुआ करते हैं और उम्मीद करेंगे कि गोल्ड मेडल ही आए। तो क्या टीम इंडिया का सफर कैसा रहेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।